गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमैया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या लेकर आई हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही नई रेमेडी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो नई रेमेडी क्या है। तो गाइस अगर आपकी भी आई लैशेज यानी कि आँखों की जो ये पलके होती हैं, ये इनकी ग्रोथ कम है, तो हम इनकी ग्रोथ इन्हें घना किस तरह से कर सकते हैं, या आपकी आईब्रो बहुत हल्की हैं, उनकी ग्रोथ नहीं है, कम ग्रोथ है, तो उन्हें हम किस तरह से घना कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। खूबसूरत दिखने की चाह किसे नहीं होती है। आंखें हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं, तो अगर किसी की पलके लंबी और घनी है तो इससे उनकी आँखें बड़ी दिखाई देती हैं, खूबसूरत दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं। तो पलके लंबी होना, घनी होना किसे अच्छा नहीं लगता। और जिनकी पलके कम होती हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है, तो वो हमारी खूबसूरती को फीका कर देती हैं। तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी पलकों की, आईब्रो की ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो 1 वीक में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही ईजी और अच्छी रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, तो 1 चम्मच हम इसकी ले लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है हमारी आईलैशेस की ग्रोथ के लिए, तो 1 स्पून ही हम इसकी ले लेंगे। कैस्टर ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा, आप मार्केट से जाकर ले सकते हैं, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा और आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट वाला ही लें, आप प्लांट का ना लें क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, तो हमें मार्केट वाला ही यूज़ करना है इस सीरम को बनाने के लिए। तो 1 चम्मच ही हम इसकी ले लेंगे और इसके बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि आपस में कम्बाइंड हो जाएँ। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो पिन की हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे, 1 कैप्सूल ही हमें लेना है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास अलग से विटामिन ई ऑयल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं है तो आप मार्केट से ये कैप्सूल ले आइए, आपको इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विटामिन ई कैप्सूल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बे को दूर करता है, हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डार्क स्पॉट्स को दूर करता है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। इसके बाद एक कोई भी खाली कंटेनर लें और उसमें इसे स्टोर हम कर सकते हैं। 1 वीक के लिए आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं फ्रिज में। आप इसे यूज़ करिए, डेली यूज़ करिए, ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह कोई भी एयर टाइट आपके पास कंटेनर हो उसमें आप इसे स्टोर कर लें। गाइस अब ये हमारी रेमेडी यानी कि सीरम बनकर रेडी हो गया है। गाइस हमारी ये रेमेडी बनकर रेडी हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस अगर आप मस्कारा यूज़ करते हैं तो उसका ब्रश आप ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपनी आईलैशेस पर लगा सकते हैं और आईब्रो पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आप अपनी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास 100% होगी। तो मैं आपको इसकी हेल्प से कर दिखाती हूँ। थोड़ा सा आप इसमें डिप करिए, ये आपको रात को लगाना है, रात को सोने से पहले आप लगाइए। और इस तरह से मैं आपको आईब्रो पर कर दिखा रही हूँ, तो इस तरह से आप लगाइए, इससे आपकी आईब्रो की ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप लगाइए,
बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह से आप लगाइए और उसके बाद हल्के हाथों से आप फिंगर की हेल्प से इनकी मसाज करिए इस तरह से, जिससे कि ये अच्छे से लग जाए हमारे आईब्रो में। आप 1 मिनट तक इसी तरह मसाज करें। इस तरह से बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे आपकी आईब्रो की आईलैशेस की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप मसाज करिए, रात भर ऐसे ही छोड़ दें और सुबह उठकर आप जो भी नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं, कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यूज़ करिए, आपको 100% फ़ायदा होगा और 1 वीक में ही आपको अपनी आईब्रो की आईलैशेस की ग्रोथ नज़र आने लगेगी कि ये थोड़ी घनी हो जाएंगी। तो आप इसका रेगुलर यूज़ करिएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। गाइज अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।